इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में बुधवार रात पुरानी रंजिश को लेकर क्षेत्र के ही दो गुटों के बीच विवाद हो गया, जहां क्षेत्र के ही एक गुट ने दूसरे गुट के गुंडे पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया। वहीं छत्रीपुरा पुलिस ने पकड़े गए गुंडों का जुलूस निकाला ताकि क्षेत्र में गुंडों का भय कम हो। दरअसल बुधवार रात पुरानी रंजिश को लेकर दो गुंडों के गुटों में विवाद हो चुका था, जिसके बाद गुंडा पक्ष के अपने साथियों के साथ मिलकर पारस नाम के युवक की तलवार से हमला कर घायल कर दिया। वहीं छत्रीपुरा पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों का गुरुवार शाम घटना वाले क्षेत्र में पुलिस द्वारा चारों आरोपियों का जुलूस निकाला, जिससे क्षेत्र की जनता के दिलों में बदमाशों का खौफ कम हो सके। वहीं थाना प्रभारी पवन सिंघल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी और घायल हुए दोनों ही पहले से ही क्षेत्र में लिस्टेड बदमाश है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इंदौर से ब्यूरो रा के सच्चे के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये सभी जो आरोपी पकड़ाए हैं ये लिस्टेड बदमाश है, जो थाना के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। इनके बारे में लगातार सूचना मिल रही थी कि ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। कुछ के पास से आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, हथियार पकड़ाए हैं, कुछ अवैध शराब में कार्रवाई हुई है और कोई शांति भंग होने में कार्रवाई हुई है। जैसे टोटल 10 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जारी रहेगी क्योंकि आने वाले समय में होली रंगपंचमी का त्यौहार आ रहा है, उसको देखते हुए भी उस पर निगाह रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।